हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी होने वाला है जयपुर सीरीज, हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए लॉन्ग वीकेंड और यहाँ पे रिबू अभी कैब बुक कर रहे हैं। तो बस ऑल सेट रेडी है हम लोग, क्योंकि रात की जर्नी है इसलिए मस्त कॉट सेट पहन लिया है और ट्रॉली भी रेडी है और रिबू भी रेडी है और बैग भी रेडी है। तो बस अब निकलने ही वाले हैं। वैसे हमारी ट्रेन 12 बजे है, लेकिन क्योंकि कल 15 अगस्त है तो इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो 10 बजे सोचा था, बट 10:05 हो गए। तो बस अब जैसे ही बुक होगा अब निकलेंगे ही। तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या होता है, मतलब मैं क्या क्या सूट कर पाती हूँ, कितना हो पाता है। वैसे तो अभी बहुत टाइम से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, अभी थोड़ा बेटर हुई हूँ। क्योंकि प्लान बन गया था, सब कुछ बुकिंग हो गया था, इसलिए कैंसिल करना नहीं सही लगा। और बहुत टाइम के बाद हमारा कोई प्लान बना था इसलिए हमने उसको कैंसिल नहीं किया। तो अब चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा है। मैं पहली बार जयपुर जा रही हूँ तो अभी देखते हैं वहाँ क्या क्या करने वाले हैं और कितना मजा आने वाला है। तो चलिए आप हमारे साथ भी जयपुर चलिए। आप सोए नहीं थे क्या? अभी गाड़ी में सो गए? मैं तो सो के आई हूँ। और ये मेट्रो, सॉरी मेट्रो नहीं, ये वाला स्टेशन पहली बार आई। कितने सारे वो है ना, देखो कितने सारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन है ना। ओके, तो हमारी ट्रेन खड़ी है, बस अब चढ़ने की देरी है। टाइम से पहुँच ही गए हैं, पूरे कैब में मैं सो के आई हूँ। गाइज गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:10 और हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर। बस ऑलमोस्ट पूरा डब्बा खाली हो चुका है क्योंकि ये ट्रेन लास्ट यहीं तक है। वैसे इसके पहले ही बहुत सारे लोग उतर चुके थे, हम कुछ लोग ही बचे हुए थे। तो बस अब हम भी उतर रहे हैं। चलिए लाइए दीजिए, हम टांग ले आए तो घूमने के लिए है, लेकिन यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, हमें लग रहा है हम घूमेंगे कैसे। लग रहा है रेनकोट वगैरह लेके तब घूमना पड़ेगा, बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है और बिल्कुल मौसम भी वैसा सा किया हुआ है। कौन कहता है जयपुर में गर्मी है। वैसे बात ये है ना, मानसून में आए हैं हम घूमने। हम लोग तो एक पल के लिए सोचने लगे कि हमने गलत डिसीजन तो नहीं लिया अभी के टाइम आके। बिल्कुल आज पूरे दिन बारिश होने वाली है, मौसम देख लीजिए, पता नहीं कहाँ कितना कवर करेंगे, क्या क्या घूमेंगे, देखते हैं। फिंगर क्रॉस, होप कि जिस इंटेंशन से आए हैं वो करें, घूमे फिरे। बस बारिश, मतलब ऐसा भी मौसम रहे बस बारिश ना हो तो हम घूम पाएंगे। तो बस अब कैब आ गई है, अब हम प्लेटफॉर्म से बाहर निकले। अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो हम रुके हुए थे, बस अब निकल रहे हैं। ये देखिए पूरी जगह का क्या हाल हुआ हुआ है। बस अब हमारी कैब आ ही गई है। यहाँ पे कोई नहीं, बारिश में रेनकोट लेना पड़ेगा। और हाँ मस्त रेनकोट फिर यही वाला चप्पल पहन के पूरा घूमो, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। मतलब रोड ऐसे पानी भरा हुआ, पूरा बाढ़ आया हुआ। हाँ ऐसा वो नोटिफिकेशन मिलेगा था कि बाढ़ आने की संभावना, ऐसा संभावना नहीं, आ चुका आ चुका है। और बाढ़ में हम लोग यहाँ आए हैं, बाढ़ का मजा लेंगे। हम लोग आ रहे हैं होटल, बारिश इतनी तेज हो रही है, अभी भी नहीं रुकी है बारिश।
आज 15th अगस्त के लिए पूरा सजाया हुआ है। बेटा कैसा लग रहा है बारिश में आके? अच्छा लग रहा है। घूम पाएंगे हम लोग? कोई नहीं, रेनकोट खरीद के। हाँ ये कि गर्मी नहीं लगेगी, थकान नहीं होगा, बट ये कि बारिश ना होता रहे दिन भर बस। भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है रिसेप्शन। एक्चुअली चेक इन हमारा जो चेक इन टाइम है वो 1 बजे का था, बट हमने मेंशन किया था, लेकिन कह रहे हैं ना कि सारा रूम भरा हुआ है तो कहाँ ही हमें देंगे वो। अगर खाली हो जाता है तो, नहीं तो फिर अपना जो टाइम है चेक इन का उस पर ही मिलेगा। तो अभी हम लोग अपना सामान यहीं पर लगेज वगैरह रख के यहाँ पर वेट कर रहे हैं, देखते हैं अगर थोड़ा बारिश कम हो तो डायरेक्ट घूमने ही चले जाएंगे। ये है आई थिंक ब्रेकफास्ट का आइडिया है। ये रिसेप्शन होटल का नेम देनाडा है। अरे वो यहाँ न्यूज पढ़ रहे हैं। भूख लगी है बेटो? भूख लगी है? नहीं अभी तो नहीं। तो अब हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने, ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि अब चेक इन करने के बाद ही कहीं घूमने जाएंगे, तो तब तक हमने अपना नाश्ता ऑर्डर कर लिया। नहीं नहीं जूस रहने दीजिए भैया, बस उतना ही कर दीजिए। तो अभी हमने पराठा और पूड़ी का प्लेटर किया ऑर्डर, देखते हैं कैसा टेस्ट है क्या है, बाकी तो सब अच्छा है। फिर हम अभी ऊपर रूफ पे गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे भी टेरेस पे अच्छा था काफ़ी, बहुत सुंदर था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ओवरऑल मज़ा आ रहा है अभी तक, मतलब एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, और तबीयत ख़राब के बाद ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देखो तो सूट नहीं है, फाइनली हमें टाइम से पहले रूम मिल गया है, क्योंकि अभी जस्ट किसी ने जल्दी चेकआउट किया है तो मिल गया, नहीं तो हमें लग रहा था कि हम और 1.5-2 घंटे कैसे बैठेंगे। तो अभी मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। होटल काफ़ी सुंदर है, यहाँ का खाना जो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया वो भी काफ़ी अच्छा है। बाहर तो रिसेप्शन वगैरह भी अच्छा था, तो हमें एक्सपेक्टेशन था कि बस रूम कैसा है वो दिखना है। तो अभी मैं आपको रूम दिखाती हूँ, रूम भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल साफ सुथरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं गेट से। नंबर मिला है 307, और इन करते ही आपको यहाँ पे सबसे बड़ा सा मिरर मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है जब आप रेडी होते हो तो आपको बड़ा सा मिरर चाहिए। तो यहाँ पे बहुत क्लीन सा बड़ा सा मिरर है, और आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम दिखाती हूँ, ये देखिए वॉशरूम में भी मेकअप के लिए मिरर लगा हुआ है, सो कूल। ये मिरर बहुत क्यूट लगता है। यहाँ पे ड्रायर दिया हुआ है, और बाकी जो एसेंशियल किट्स वगैरह होते हैं वो है। वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा है, यहाँ भी मिरर है, मतलब ये वॉशरूम के लिए है, और इधर आप नहाने के बाद अपना ड्रेसअप कर सकते हो, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं रूम की तरफ। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कॉफ़ी एंड वाटर एंड ऑल। तो ये है, यहाँ पे टीवी है जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाला, क्योंकि हम यहाँ टीवी देखने बिल्कुल भी नहीं आया, और रिव्यू तो बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि घर पे ये दिन भर टीवी ही देखते रहते हैं। और आपको यहाँ पे साइड में, जैसे ही बेड के साइड, यहाँ भी एक बड़ा सा आपको मिरर मिल जाता है, और इधर आपको साइड में जो आपके एक्सटेंशन वगैरह है, और कुछ अगर आपको नोट करना है, ऑर्डर देना है, तो वो भी आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे ये लाइट है, साइड लैम्प, यहाँ पे एक चेयर मिला हुआ है, बाकी आपको मेन्यू मिला हुआ है, आप रूम में कुछ ऑर्डर करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये कबर्ड है, आप अपना सामान रख लो, जिसमें कि अभी मेरा ये एयर बैग रखा हुआ है। और ये रहा हमारा बेड, और बेड के ही साइड में टेबल, जहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, जो कि अभी रिव्यू अपना कैमरा सेटअप कर रहे हैं और यहाँ पे बैठ के स्माइल मार रहे हैं। और सबसे जो मेन व्यू है, जो मुझे हमेशा से चाहिए हर जगह, वो है ये बालकनी से आपको बाहर का व्यू दिखता है, मतलब आप यहाँ पे खड़े होके, उतना टाइम मिलेगा नहीं कि खड़े होने का, क्योंकि जब हम लोग सुबह निकलेंगे रात को ही आएंगे, बट फिर भी काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छे से सनलाइट आ रहा है, बहुत रोशनी है रूम में, तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आप व्यू का भी आनंद उठा सकते हैं। और आज सुबह से यहाँ इतनी बारिश हुई है कि मैं भगवान को बोल रही थी, भगवान प्लीज़ बारिश कम कर दो, हम घूमने आए हैं,
वरना हमारा सारा चौपट हो जाएगा। तो अभी बारिश खत्म हुई है, मौसम बहुत सुहाना सा है, कभी भी हो सकती है, ऐसे बादल घिरा हुआ है। तो इसको करते हैं बंद और बस अब हम लोग थोड़ा रिलैक्स करके निकलेंगे ना बेटू। अब क्या करो बेटू, आपको कैसा लगा बेटू रूम? अच्छा है। होटल तो 4 स्टार है, इसलिए होटल काफी अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है ना। हाँ। रूम और खासकर जिसका किचन का आइटम जो था। हाँ, मतलब खाने का रेस्टोरेंट मतलब फूड का बोल रहे हैं वो। हाँ, वो भी अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, खाना अच्छा था। बहुत कम जगह का ही खाना बहुत अच्छा लगता है, और मतलब यहाँ का खाना अच्छा लगा तो वाकई अच्छा होगा, तो था भी वो। आप और ऐसा था ना कि मतलब घर पे हम 4 पूड़ियाँ अकेले खा लेते, बट यहाँ पे हम दोनों ने मिलके खाया था और हमारा बिल्कुल पेट भर गया था। जब हमारा दूसरा ऑर्डर पराठा आया था उसके पहले ही हम फुल हो चुके थे, तो ऐसा था। खाना बहुत प्यार से ऐसे गया और बिल्कुल जो एक जयपुर की शान होती है देसी घी, तो वैसे उसमें देसी घी डला हुआ था, तो बिल्कुल हाँ लग रहा था कि हम राजस्थानी खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा था, आज का दिन अच्छा रहा। अब बस निकल ही रहे हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आज और क्या क्या कवर कर लेंगे। बस बारिश ना हो तो तब तो ठीक है, जैसे ही बारिश वारिश होने लगी कहाँ ही घूम पाएंगे फिर बारिश में, फिर लौट के आना पड़ेगा घर, तो मतलब रूम पे। तो इसलिए बेटू कितने देर में निकलेंगे हम लोग? आधे घंटे में निकलेंगे। अभी कितना बजे? 12:45, मतलब 12:30 तक। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज इसी ड्रेस में घूम लेती हूँ, क्योंकि फिर ड्रेस निकालूंगी, फिर तैयार होगी तो इसी में घूम लेते हैं। आप भी इसी में घूमोगे क्या? हाँ, तो रिबू ऐसा बोल रही थी वो टी शर्ट चेंज करके, मैं तो ये कॉर्सेट में घूमने वाली हूँ, तो हो सकता है एंड मोमेंट में माइंड भी बदल जाए, तो देखते हैं। तो फिर आगे अभी दिखाती हूँ आप क्या क्या घूमेंगे, मतलब मैं इस वाली सीरीज में क्या क्या कवर करती हूँ वो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ ना आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी। क्योंकि फिर एक साथ मैं बनाने के उसमें एडिट करूंगी और डालूंगी ना, बहुत टाइम लगने वाला है, और इस वजह से अभी कैमरा में शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कैमरे में फिर वही है कि फिर उसको ट्रांसफ़र करो, फिर मैं डिपेंड हो जाती हूँ, फिर मुझे सारा एक जगह करके फिर एडिटिंग करना पड़ता है, फिर उसको डालो, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो अभी मैं ऐसे ही डालूंगी अपने मोबाइल से ही शूट करके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ड्रेस चेंज नहीं करेंगे, इसी ड्रेस में घूमेंगे, बट फिर हमने सोचा कि नहीं चलो अच्छे से ड्रेस अप होके जाते हैं। तो फिर हमने फटाफट दोनों ने ड्रेस चेंज किया, रेडी हुए नहा धो के, और उसके बाद हम निकल गए हमारा फर्स्ट विजिट जो कि होने वाला है हवा महल। तो सबसे पहले हवा महल ही घूमना बनता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक, जैसे हमारे दिल्ली में होता है ना पुरानी दिल्ली, वैसे ही फील आ रहा था कि जयपुर का ये पुराना जयपुर टाइप। तो हम लोग निकले थे और वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सा, सारा दुकान ही गुलाबी था। हवा महल और यहाँ फ्रंट में ये पूरा व्यू ऐसे तो आएगा नहीं, अभी अंदर से जाके देखते हैं क्या क्या है, बहुत सुंदर लग रहा है। हवा महल का नाम हवा महल क्यों पड़ा है बेटू? हाँ, बस अभी रिबू कह रहा है कि फोटो क्लिक कर देते हैं, तो वो क्लिक कर रहे हैं। हाँ, अब हम लोग टिकट ले चुके हैं और जा रहे हैं हवा महल के अंदर। अंदर क्या क्या है बेटू? मैं तो पहली बार आई हूँ। हाँ, कह रहे रिबू जाने की बात पता चलेगा, सही बात है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है। तो हाँ, यहाँ ठंडक लग रहा है, अचानक ही धूप करती है, हम सोच रहे थे कि बारिश होगी और अचानक ही धूप। ये देखिए कुछ वहाँ पे हो रहा है म्यूजिक वगैरह, ये देखिए यहाँ पे, ये रात को चलता होगा ना फाउंटेन? हाँ, चलता। ये देखिए अभी नहीं चल रहा है। ए, यहाँ पे कठपुतली का डांस, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं राजस्थान की, कठपुतली डांस वगैरह।
कवर इम्पॉसिबल है, तो मैं कुछ कुछ एरिया कवर करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल वो राजा महाराजाओं के महल जैसा फील आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअली पता है, सुबह इतनी गर्मी थी, सॉरी धूप, बारिश थी, और अचानक इतनी धूप हो गई है, हम लोग पूरा पसीना पसीना है। रिबू को देखिए, पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। ऐसे लग नहीं रहा कि सुबह इतनी तेज बारिश हुई है, बट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ये। अभी मैं आपको ना इस छोटे से झरोखे से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ओह वाव यार, इसका नाम हवा महल है। इतनी धूप के बावजूद भी ना यहाँ पे बहुत अच्छा हवा आ रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। अब भी जस्ट हवा महल से बाहर आए तो यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सा सेट मिल रहा है, तो बहुत सुंदर सुंदर है। ये देखिए, ये एक पीरा हमने लिया है भगवान जी के लिए, और यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। और एक ये देखिए, ये मार्बल का है जो कि हमने पिंक कलर में लिया है। बेटू ब्लू कलर अच्छा लग रहा है क्या? कोई कहेगा कि सुबह इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे, इतनी ह्यूमिडिटी हो गई है, इतनी गर्मी लग रही है, और हम इतना थक चुके हैं। हवा महल काफ़ी बड़ा है यार, तो अभी बस भूख नहीं लगी है, प्यास लगी हुई है। रीबू गए नारियल पानी लाने के लिए, आ ही रहा है, तो अब नारियल पानी पियेंगे और देखते हैं हम नेक्स्ट कहाँ निकलना है। और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है, तो वो काफ़ी है भाई, काफ़ी हेवी है, क्योंकि हमने मार्बल का लिया है कुछ कुछ, तो इसलिए आ गए हमारा नारियल पानी। बेटू कितनी कर दिया यहाँ पे नारियल पानी? 50 का है, और इतना मीठा है, हमारे वहाँ 80-80 रुपए का मिलता है दिल्ली में। बेटू यहाँ पे कितना सस्ता है नारियल पानी, अपने वहाँ 80-80 रुपए का मिलता है, और इतना मीठा है, बहुत मीठा है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटू? और फिर जंतर मंतर। अभी हम लोग सिटी प्लेस और जंतर मंतर जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ से पास ही है, फिर उसके बाद देखते हैं और कहाँ जाना है। ये आपको ना साइड साइड दुकानें मिलेंगी ढेर सारी, बर्तन के कुछ अलग अलग है, तो छोटी मोटी शॉपिंग तो हमने भी कर ली है। तो ये है सिटी प्लेस, और अब हम लोग इसके अंदर जाए, इधर से नहीं आगे से, अच्छा इसका रास्ता आगे से है, तो अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। प्यास लगी, अब रिबू गए हैं पानी का बॉटल लेने के लिए। ये क्या है? शीतला माता मंदिर। अच्छा अभी मंदिर बंद है क्योंकि दोपहर हो रहा है। तो ये है सिटी पैलेस, और एक्चुअली ये म्यूजियम है, तो अभी देखते हैं इस म्यूजियम में क्या क्या है। ये देखिए इसका दरवाजा, लग रहा है इनोवेशन हुआ है, काफ़ी नया नया लग रहा है। बाहर से बिल्डिंग पुराना है, लेकिन दरवाजे वगैरह नए लगे। अभी उधर फ्रंट साइड की ओर हम जा रहे हैं, तो ये टिकट काउंटर, टिकट ले लेते हैं। दो ना, दो टिकट और क्या है? रेगुलर टिकट इज 300 ओनली फॉर द म्यूजियम इन कोर्टयार्ड, नॉट द रॉयल पैलेस। लुक एट द बोर्ड, दिस इज पिक्चर्स ऑफ रॉयल पैलेस, यू सी दैट इट इज हाफ पैलेस इज 1500 एंड फुल पैलेस प्राइस इज 3000। गाइड एंड रिफ्रेशमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रॉयल पैलेस। क्या क्या है ऑप्शन में बता रहे हैं? क्या क्या ऑप्शन है? हाँ
ऑलमोस्ट हमने बहुत सारा कवर कर ही लिया है, बस सब कुछ एक बचा हुआ है ना बेटू, ये ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर ही चुके हैं, अब कुछ बचा होगा तो अभी बस इधर ही देखते देखते निकल जाएंगे। जंतर मंतर भी चल रहा है, बंद नहीं होता ना वो, सामने तो ना जाएगा अभी क्या सकते एक घंटा। चलो चलो फिर चलते हैं, अभी वो तो पूरे पसीना पसीना हो गया है, वैसे भी इनको बहुत पसीना था, वैसे आ तो मुझे भी रहा है, मेरा पूरा बाल चिपक गया है, बट अभी थोड़ा ये है ना कि हवा नहीं चल रही, ऊपर रहते तो हवा चलती है, नीचे थोड़ा उमस टाइप लग रहा है। ये तो तोप के पीछे पड़ गए, ये देखिए रीबू, रीबू को तोप से प्यार हो गया है। तो बेटू ये सब उसी टाइम का तोप है बेटू, हाँ उसी टाइम का होगा, बस इसको अच्छे से वो करके रखा है ना बाबे, कितना हैवी होगा ना इसको चलाना, बहुत मुश्किल होता होगा पहले। चलिए अब निकले, चलिए। इस सीरीज में हमने आज हवा महल और जो सिटी पैलेस है वो आज घूमा और थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सेकेंड पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, फिर मैं मिलूंगी किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अगर आप लोग जयपुर आना चाह रहे हैं तो ज़रूर आइए, बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। बाय बाय गाइज़।